रहा हूँ। जी, तो हम कवर कर रहे थे चैप्टर 1, और उसमें हम पहुंच गए थे जी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तक। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अच्छा इस पे अब हम बात करते हैं। मैं इसको अब डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। अच्छा जी, ऑल राइट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में आपको कुछ आइडिया है? यस सर। सर के एक फर्म मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकती है अगर उसके सारे रिसोर्सेज वो यूटिलाइज कर रही है? जी, आपके पास है ये फर्म, या आप इकोनॉमी की बात कर सकते हैं। वैसे तो फर्म का भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, लेकिन हम इकोनॉमी की बात करते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, दारी पता है। तो पीपीसी जो है, नाम से नजर आ रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ऐसा कर्व जो ये बताता है कि कितनी प्रोडक्शन पॉसिबल है फॉर अ कंट्री इफ कंट्री यूजेस ऑल इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज और विद अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, वो जितने भी हैं उनकी क्वांटिटी उसमें चेंज नहीं आ रहा, तो वो उनको यूज करके कितनी चीजें बना सकते हैं, लेकिन इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। मतलब पीपीसी जो है वो कोई सी दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है, लेकिन वो हर कॉम्बिनेशन ये शो करता है कि कंट्री अपने सारे रिसोर्सेज को यूज कर रही है। मैं जरा डायग्राम अगर यहाँ पर बना दूं, सही नहीं बन रही कि हमारे पास ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसमें हम अगर पेपर में सवाल आए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, तो आपको लेबल खुद ही करना होता है। अब सवाल ये आता है कि वाई और एक्स एक्सिस पे क्या रखा जाए, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि आपने इसमें कोई सी भी दो गुड्स रख देनी है, या एक गुड रख दो, एक सर्विस रख दो, दोनों सर्विसेज रख दो, दोनों गुड्स रख दो, ये आपके ऊपर है। जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ फर्ज किया कि कार्स इधर ले लिए, हाउसेज इधर ले लिए। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो कर्व है ना, ये शो कर रहा है बाउंड्री, इसीलिए इसका एक और नाम भी होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी इसको बोलते हैं। फ्रंटियर का मतलब होता है बाउंड्री। तो ये बाउंड्री दी हुई है कि अगर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, जितने भी अवेलेबल है कंट्री को, तो इस बाउंड्री तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, और इस मैंने आपसे जैसे कहा कि ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है टू गुड्स के। जैसे अगर मैं ये एक पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट यहाँ ले लूं, एक यहाँ ले लूं, एक यहाँ ले लूं, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो कि एक कंट्री अचीव कर सकता है। ए की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर भी मैक्सिमम रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं सारे यूज हो रहे हैं, बट विद ए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्स एंड हाउसेस। अगर मैं डी की बात करूं, तो डी में भी ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज टू द कंट्री आर बीइंग यूज्ड, आर बीइंग यूटिलाइज्ड, लेकिन उसमें कॉम्बिनेशन जो है वो कार्स और हाउसेज का फर्क है। इसी तरह बी और सी में। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछता हूँ, अच्छा अब यहाँ दो गुड्स नहीं है, प्रैक्टिकली एक कंट्री दो चीजें तो नहीं बनाता, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक का, ये टू टू गुड्स मॉडल है। मतलब इसमें एक बहुत ही सिंपलिस्टिक व्यू दिया गया है, आइडिया दिया गया है कि अगर दो गुड्स हो तो कंट्री जो है वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके कहाँ तक जा सकता है, ये कौन कौन से कॉम्बिनेशन को अचीव कर सकता है। अच्छा, मुझे आपसे सवाल ये है कि पॉइंट ए और पॉइंट डी, इन दोनों में क्या फर्क है?
पॉइंट ए मोर कार्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड देन हाउसेस, बट एट पॉइंट बी मोर हाउसेस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड देन कार्स। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यानी कि जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी गाड़ियां ज्यादा बनेंगी, और जितना आप राइट पे जाएंगे उतने हाउसेज ज्यादा बनेंगे। तो चूंकि पॉइंट ए ऊपर तो है लेकिन वो लेफ्ट पे ज्यादा है, तो हाउसेज कम हो गए, कार ज्यादा हो गई, और डी जो है उसमें वो ज्यादा राइट पे है बल्कि, और उसमें लेकिन वो काफी नीचे है, तो इसलिए कार्स कम है और हाउसेज ज्यादा है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा और ऐड कर रहा हूँ कि अगर मैं कहता हूँ ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये, और मैं इसको नाम देता हूँ ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है, तो ये दोनों पॉइंट क्या शो कर रहे हैं? सर एट पॉइंट ई ओनली कार्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ओके, एंड वेरी, हाँ एट जी पॉइंट एफ ओनली हाउसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। जी बिल्कुल सही आपने कहा। ई पे यानी कि हम कहेंगे कि पॉइंट ई पर ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्स, तो हाउसेज तो सिफर ही बनेंगे, और एफ में इसका ऑपोजिट है। दो पॉइंट है इनको अगर हटा दूं तो कुछ ऐसे भी आपको पीपीसी नजर आता है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 100 और यहाँ मैं लिख देता हूँ 50, तो ये यही शो कर रहा है कि सारे रिसोर्सेज कार्स पे लगेंगे तो 100 कार्स बनेंगे, सारे रिसोर्सेज अगर हाउसेज पे लगेंगे तो 50 हाउसेज बन जाएंगे, और बाकी जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपके वो डिफरेंट कार्स और हाउसेज के, बाकी जो पॉइंट्स हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन कार्स और हाउसेज के आपको मिल सकते हैं। वो आपको समझ आ रही है, आती है, यानी कि अगर, अच्छा आप इसमें, ये तो आपको समझ आती है, तो इसमें अगर मैं ये कहूँ कि ये एक बी पॉइंट है, इसमें 80 कार्स हैं, और मैं नीचे आता हूं तो मैं कहता हूं कि 35 हाउसेज है, तो और इसी तरह मैं अगर सी पे आ जाऊं तो मैं सी पे कहता हूं कि 60 कार्स हैं, और नीचे जो हाउसेज हैं वो लेट से हैं 45। तो अब आपको मैंने ये बताना है कि जब हम बी से सी पे जा रहे हैं, ये एक सवाल पेपर में आता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कौन से दो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता है, तो हमारे पास वो दो कॉन्सेप्ट हमने दोनों पढ़े हैं, एक को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दूसरे को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इसको हम प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी भी बोल सकते हैं। वैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं, क्योंकि जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है तो वी हैव टू मेक अ चॉइस, तो इसलिए इसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। अब आप गौर करो, अगर आप एक इकोनॉमी पॉइंट बी से सी की तरफ जा रही है तो आप मुझे ये बताओ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी ट्वेंटी कॉस्ट कार्ड्स 20 कार्स, और हाउसेज कितने बन रहे हैं बी से सी पे जाने पे? 45, 10 मोर। 10 मोर। इसका मतलब है हम कुछ ऐसे फ्रेज फ्रेज करेंगे इसको कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 मोर हाउसेज इज 20 कार्स, सीधी सी बात है, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों, आप बी से सी पे जा रहे हैं तो हाउसेज ज्यादा कर रहे हैं तो कार्स क्यों नहीं ज्यादा कर रहे, मतलब कार्स को कम क्यों कर रहे हैं, क्या जवाब है? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे आर वेरी स्कार्स। जी, वो स्केर्स हैं तो आपके पास और रिसोर्सेज हैं ही नहीं, तो आपको एक जगह से रिसोर्सेज कार से विदड्रॉ करके हाउसेज की तरफ लेके जाओगे तो हाउसेज ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन चूंकि यू हैव विदड्रॉन रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कार्स तो कार्स ने तो कम होना है। अच्छा, तो ये बात तो आपकी ठीक है। अच्छा, दूसरा जो प्रॉब्लम है हमें, जिसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कह रहे हैं,
क्योंकि यहाँ तो आपने कहा रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अच्छा, दूसरा क्या जो हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट को बताना है, वो ये कि अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ ले लू, एक मिनट, यहाँ पॉइंट ले लू, एक मिनट, मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट एफ। तो ये पॉइंट कंट्री अचीव कर सकता नो है? यानी कि ये अचीव नहीं किया जा सकता, तो इसको बोलते हैं ये अनअटेनेबल पॉइंट है। और इसकी क्या वजह है ये कॉम्बिनेशन ना अचीव करने की? देर आर नॉट इनफ रिसोर्सेस. हाँ जी, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि 120 कार्स और 60 हाउसेस, ये कॉम्बिनेशन अचीव नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। और वो पता कैसे चला? क्योंकि वो जो पीपीसी की बाउंड्री है या जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उससे बियॉन्ड है। और पीपीसी के ऊपर आप जब आ जाते हैं, जैसे पॉइंट ए बी सी डी है, तो वो शो कर रहा है कि कंट्री मैक्सिमम कपैसिटी पे ऑपरेट कर रही है, उससे आगे तो जा ही नहीं सकती। ये पॉइंट अनअटेनेबल है। इसका मतलब है कि अगर वॉन्ट्स ज्यादा हैं तो स्टिल कंट्री उन वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए इस लेवल तक प्रोडक्शन नहीं कर सकता कार्स एंड हाउसेज की। तो विच टेक्स अस टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात मैंने आपको बतानी है कि आपको ये पॉइंट नजर आ रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर, जैसे कि ये बी पॉइंट है, या एनी पॉइंट टेकन ऑन द पीपीसी, उस पॉइंट पर हम कहते हैं कि एक क्या है, ये है ना, उसमें ये चल रहा है क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, सारे रिसोर्सेज, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, सारे रिसोर्सेज जो है ना वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इसको बोलते हैं। और होता है व्हेन वी टेक अ पॉइंट ऑन पीपीसी, चाहे वो ए बी सी डी हो या वो एक्सट्रीम केस हो जो मैंने पहले बताया था कि वो 100 पे आपको ले जाता है, इस पॉइंट पे चाहे चला जाए या चाहे वो इस पॉइंट पे आ जाए, तो ये सारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो कर रहे हैं। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा, अब अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ, और ये कॉम्बिनेशन है एक, लेट से ये 40 है और यहाँ मैं ले लेता हूँ लेट से 15, तो क्या ये कॉम्बिनेशन अचीवेबल है कंट्री के लिए? यस अच्छा, और वो क्यों है, क्या रीजन है इसका, कैसे पता चला आपको डायग्राम देख के? सर, क्योंकि वो बाउंड्री, वो इट इज विद इन द बाउंड्री, और सारे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं. वेरी गुड, क्योंकि वो वेल विद इन द बाउंड्री ऑफ पीपीसी है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इसका मतलब है रिसोर्सेस सारे तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, तो कुछ रिसोर्सेस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये अटेनेबल है। अच्छा, मैं अगर यहाँ से यहाँ जाना चाहूं, लेट से इस पॉइंट पे, यानी कि मैं कहता हूँ पॉइंट एक्स है ये पॉइंट वाई है, तो क्या मैं इस पॉइंट पर जा सकता हूँ? क्योंकि पॉइंट वाई पर कार्स भी 20 बढ़ गई और हाउसेस भी बढ़ गए, 35 पे चले गए, तो ये हो सकता है ना? यस अच्छा, इसमें हमें कार या हाउसेस में से किसी को भी कम नहीं करना पड़ा, क्यों? सर, क्योंकि रिसोर्सेस की फुल यूटिलाइजेशन नहीं है. नहीं है, आपके पास आइडल रिसोर्सेस पड़े हुए हैं विच आर नॉट बीइंग यूज, तो आप उनका यूज करके प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, और ये जो पॉइंट एक्स है या एनी पॉइंट बिलो द पीपीसी, अच्छा मैं इसको ना एक और जगह एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मैं जरा खत्म कर दूं।
क्योंकि काफी कुछ इसमें मैंने हो गया तो जरा मुश्किल हो जाएगी समझना। अच्छा ये पीपीसी है, तो मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कोई भी पॉइंट, ये सारे पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, हम इसे कहेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और इसको अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं तो हम इसको कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, के रिसोर्सेज सारे इस्तेमाल नहीं हो रहे, इसी को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। हम तो वैसे लेबर से वाकिफ है ना, क्योंकि लोग सारे जाना उनको जॉब नहीं मिल रही, तो रिसोर्सेज भी अगर सारे इस्तेमाल नहीं होंगे तो उसको भी अनएम्प्लॉयमेंट ही बोलेंगे, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा तो हर कंट्री की कोशिश क्या होती है कि वो पीपीसी की तरफ ऑपरेट करें। अच्छा मैं जरा इसमें से ना कुछ मिटा देता हूँ ताकि आसानी रहे हमारे लिए। हर कंट्री की कोशिश होती है कि दे मस्ट मूव टुवर्ड्स पीपीसी, इधर को। अच्छा डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, इधर को भी हो सकती है, इधर को भी हो सकती है। इसका मतलब है नाउ द कंट्री, अगर ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब है नाउ द कंट्री इज मार्चिंग टुवर्ड्स इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी या इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ये एक अच्छा साइन है क्योंकि कंट्री की रिसोर्सेज अब आइडल नहीं पड़े हुए, उनको वो इस्तेमाल कर रही है। अच्छा और इस्तेमाल करना जरूरी क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेज पड़े पड़े खत्म हो जाते हैं और उनको इस्तेमाल ना किया जाए तो ये लॉस है ना, लॉस ऑफ रिसोर्स हो गया, या उससे जो पोटेंशियल बेनिफिट मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी था जवान 25 साल का, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, तो उसे 25 साल जॉब ही नहीं मिली, तो अब वो 50 साल का हो गया, अब तो वैसे उसकी उम्र ही नहीं रही कि वो काम कर सके, तो आपने तो जाया कर दिया रिसोर्स। तो हर कंट्री चाहता है कि वो अपने रिसोर्सेज का यूज करे मैक्सिमम, यानी कि हर कंट्री फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करना चाहता है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कोई भी कंट्री नहीं कर पाता दुनिया में, कहीं ना कहीं यहाँ करीब पहुंच सकता है, लेकिन जैसे चाइना को बोलते हैं कि चाइना बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है लेकिन वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं पहुंचा हुआ, हाँ ग्रो कर रहा है तेजी से, हर कंट्री यही चाहता है। अच्छा तो ये तो हमें समझ आ रही है, इस तरह की मूवमेंट हमें जो नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं, मूवमेंट टुवर्ड्स द पीपीसी, टुवर्ड्स द पीपीसी। और एक तरह सही से, और मूवमेंट टुवर्ड्स द पीपीसी बोलते हैं, और इसके लिए जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं, जो कि आगे इस पे पूरा चैप्टर है, लेटर ऑन हम उसको पढ़ेंगे जरूर, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। और किसी भी मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो बहुत अच्छा साइन है। तो अच्छा और हर कंट्री चाहता है, मैंने आपको बताया था जैसे, अच्छा ये इसको ना मैं एक वर्ड इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसको कहेंगे एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, मैं एक वर्ड यहाँ लिख लेता हूँ, और ये भी ठीक है लेकिन ये ज्यादा बेटर है, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसका मतलब क्या है कि आपके आउटपुट में डे बाय डे इजाफा हो रहा है, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके आप पहले से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अ कंट्री एज एन इकोनॉमी। अच्छा अब सवाल यह है कि मैं आपसे जैसे बात की है कि आप उस लेवल तक पहुंच भी जाते हैं तो बस काम खत्म हो गया, मतलब मैं पीपीसी पे पहुंच गए, फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया तो कहानी खत्म, अब एफर्ट्स नहीं आप लगा सकते हैं मजीद कुछ प्रोडक्शन करने के, यानी कि अगर आप इस पॉइंट पे हैं और आप इस पॉइंट को अचीव करना चाह रहे हैं तो ये पॉइंट तो अचीव होता नजर नहीं आ रहा जैसे हमने पहले बात की है, लेकिन एक कंडीशन में इस पॉइंट को अचीव किया जा सकता है, आप बता सकती हो वो क्या कंडीशन है? More resources can be discovered. जी यानी कि आप अपने कंट्री अपने पोटेंशियल में इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि पीपीसी पोटेंशियल को शो करता है ना,
अच्छा, तो आपने पोटेंशियल में इजाफा किया तो पीपीसी जो है वो कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। पीपीसी शिफ्ट होता है ना राइट साइड पे, तो इसका मतलब है कि कंट्री के पोटेंशियल में इजाफा हो गया। तो अब वो पॉइंट जो अनअटेनेबल था, अनअचीवेबल था, वो आपकी रेंज में आ गया और वो अब आपके लिए अटेनेबल। तो इसमें हम बात करते हैं अभी कि पीपीसी जो राइट लेफ्ट पे जाता है, तो ये हमें और एक बात पता चली। अच्छा, इस किस्म का शिफ्ट हमें नजर आ रहा है पीपीसी के अंदर, इसके लिए हम एक और काम करते हैं और उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। मतलब देखा जाए तो इसको भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम कह रहे हैं एक्चुअल ग्रोथ और इसको कह रहे हैं पोटेंशियल ग्रोथ। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब पीपीसी शिफ्ट हुआ तो उससे पोटेंशियल में इजाफा आपके हो गया, लेकिन जब तक आप उतना प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो एक्चुअली तो आपकी आउटपुट वहां तक नहीं पहुंची। तो ये याद रखना है कि पीपीसी पोटेंशियल को शो करता है, वो प्रोडक्शन को शो नहीं करता। जब तक आप कोई पॉइंट लोकेट नहीं करते डायग्राम पे, जैसे मैंने किया हुआ है, ब्लू सर्कल बनाया हुआ है या रेड सर्कल बनाया हुआ है, तो आप ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्चुअल प्रोडक्शन को शो करते हैं, और ये जब ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब है आपकी एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं और सिर्फ पीपीसी को राइट पर शिफ्ट कर दूं तो एक्चुअल ग्रोथ नहीं हो रही, ये पोटेंशियल ग्रोथ हो रही है, क्योंकि आउटपुट नहीं बढ़ रही लेकिन अब आप आउटपुट ज्यादा बना सकते हैं। समझ आ गई ना बात की? अच्छा, यस सर, तो इसी तरह इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो शिफ्ट ऑफ पीपीसी है इसकी तरफ आते हैं। तो आप लिखिए, मैं इन लिखना चाहिए था। अब इसमें मैं यहाँ पर पीपीसी बना रहा हूँ, ये पीपीसी राइट पे चला है, इसी तरह पीपीसी लेफ्ट पे भी जा सकते हैं। तो अब ये जो पीपीसी राइट पे जा रहा है समझ आ रही है पोटेंशियल बढ़ रहा है, पीपीसी लेफ्ट पे जा रहा है समझ आ रही है पोटेंशियल कम हो रहा है, लेकिन यहाँ यहाँ आउटपुट कम या ज्यादा हो रही है? नो नो, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ कोई मैंने पॉइंट लोकेट नहीं किया हुआ। और जब भी आपको पेपर में डायग्राम बनानी हो, क्योंकि वो पूछते हैं जनाब ये कंडीशन है बताएं पीपीसी पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो आपको फुली लेबल करना होता है डायग्राम को, यानी कि आपको कोई ना कोई अब जो गुड्स हैं वो लेने होते हैं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे। तो मैं अगर यहाँ पर क्लोथ्स, क्योंकि अपनी मर्जी के ही लेने होते हैं जनरली, उनमें कुछ कहा नहीं होता आपको, तो वो आपकी मर्जी है। तो और यहाँ मैं ले लेता हूँ एजुकेशन, मेरी मर्जी है ना, एक जगह मैंने सर्विसेज ले ली, एक जगह गुड्स ले ली। अच्छा, तो ये याद रखना है कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है। कई बच्चे प्राइस ले लेते हैं, कई बच्चे बना कुछ डिमांड ले लेते हैं, अजीब सा बना देते हैं, क्योंकि तो आगे कब आते हैं डिमांड और सप्लाई का आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अभी पढ़ना हमने अभी। तो आपको गुड्स या सर्विसेज लेने हैं वाई एक्स एक्सिस। अच्छा, ये जो आपको शिफ्ट नजर आ रहे हैं दोनों राइट और लेफ्ट पे, ये शिफ्ट होने के कॉजेज क्या है? इसके कॉजेज तीन सर, है। जी मैंने एक क्वेश्चन पूछना है कि पूछे। हाँ, जो इनिशियल वाला कर्व था उसमें भी एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही है, और जो आगे और पीछे जो आपने कर्व बनाया वो पोटेंशियल है। ये जो मैंने अभी कर्व बनाया है ना, राइट पे भी शिफ्ट हो रहा है और लेफ्ट पे भी शिफ्ट हो रहा है,
ये पोटेंशियल ग्रोथ है अगर आगे जाएगा तो, और नीचे जाएगा तो ग्रोथ थोड़ी हो रही है। और सर, जो बीच में जो है कर्व, वो उस पे एक्चुअल हो रही है अभी प्रोडक्शन? नहीं हो रही, जो बीच वाला कर्व है वो सिर्फ ये शो कर रहा है कि अभी करंट पोटेंशियल कंट्री का क्या है, कंट्री कितनी चीजें मैक्सिमम बना सकता है, बना रहा नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट भी ले लूं तो अब मैं कहूंगा, अभी अगर वो बाकी दोनों पीपीसी कर्व्स, पीपीसी जो है उनको भूल जाओ आप, सिर्फ सेंटर वाले को याद रखो, तो हम यहाँ कहेंगे कि कंट्री का जो पोटेंशियल है, कंट्री जितनी चीजें बना सकता है अब उतनी बना भी रहा है। लेकिन अगर मैं पॉइंट नहीं लूंगा तो ये सिर्फ पोटेंशियल को शो हो रहा है, कंट्री बना कितनी रहा है हमें नहीं पता, अनलेस अनटिल वी टेक अ पॉइंट समवेयर। ठीक हो गया। ओके सर, अच्छा, अब ये बता रहा था कि जो शिफ्ट होते हैं इसकी वजूहात होती है, एक तो क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स, और हमने आपको पता है कि कल पढ़ा है कि क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स कैसे बढ़ सकता है या कम हो सकता है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो एंटरप्राइज हो। मैं फिर थोड़ी सी इसमें यहाँ बात जरूर कर देता हूँ। क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ाना है तो आपने लेट से ईज आउट कर दी रिस्ट्रिक्शंस बाहर के लोगों के लिए कि वो आपके मुल्क में आकर जॉब कर सकें। तो जब आपने ईज आउट कर दी रिस्ट्रिक्शंस तो इसका मतलब बाहर के लोग तो आपके मुल्क में आएंगे जॉब करने, तो उससे आप की लेबर जो है वो बढ़ जाएगी, तो क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ गया तो कंट्री का पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, जो कि शो किया जाएगा बाय शिफ्टिंग द पीपीसी टू द राइट साइड। अच्छा, तो ये हो गया, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसमें यंगर पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, तो इसमें भी और ज्यादा लोग अब विलिंग है काम करने के लिए और एबल है, तो तब भी आपका लेबर का की क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स, वो लेबर की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा पीपीसी, या अपवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट को डाउनवर्ड शिफ्ट या इनवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, और दूसरे को अपवर्ड का राइट वर्ड भी बोल सकते हैं। इसी तरह हम लैंड की बात कर लें तो लैंड भी ज्यादा हो सकता है, आपने पढ़ लिया कोई कंट्री इज इन स्टेट ऑफ वॉर, तो उन्होंने कोई लैंड छीन लिया, एक्वायर कर लिया दूसरों से कंट्री से, तो लैंड में इजाफा हो गया ना, तो क्वालिटी बढ़ गई आपकी, इस तरह भी हो सकता है। बारह हमने तो देखा है, कल इसी पे बात हुई थी। अच्छा, इतना कैपिटल है, आप कैपिटल गुड्स बना रहे हैं या बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, दोनों सूरतों में रिसोर्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और राइट वर्ड शिफ्ट होगा। अच्छा, अगर इसी का ऑपोजिट, इस तरह एंटरप्राइज को भी ले सकते हैं आप, जो हमने कल बात की, इसी का ऑपोजिट कर दें, क्वांटिटी अगर कम हो रही है लैंड की, लेबर की, एंटरप्राइज की, कैपिटल की, तो फिर जो आपका पीपीसी है वो इनवर्ड शिफ्ट कर दे। और पेपर में ऐसे सवाल आते हैं कि वो आपको कोई क्वेश्चन दे देते हैं रिसोर्सेज से मुतल्लिक और पूछते हैं कि पीपीसी डायग्राम बना के बताएं कि इसका क्या है? पर वो क्वेश्चन हम करेंगे। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है वो है क्वालिटी ऑफ रिसोर्स। अब क्वालिटी भी हमने बात की थी कल, मैंने बताया था आपको, तो क्वालिटी ऑफ रिसोर्स से मुराद क्या होता है? इम्प्रूव्ड एबिलिटी। वेरी गुड, इम्प्रूव्ड एबिलिटी ऑफ रिसोर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर क्वालिटी बढ़ गई है लेबर की, के लेबर को ट्रेनिंग मिल गई है, लैंड की, के वो ज्यादा फर्टाइल हो गया है, बेटर वो फर्टिलाइजेशन सीड से टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है, एंटरप्राइज की एबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि अब उनको एजुकेशन मिली है, गाइडेंस मिली है, और वो ज्यादा बेहतर तरीके से बिजनेस को रन कर सकते हैं, तो वही क्वालिटी बढ़ी है, और इससे भी आपका जो पीपीसी है वो राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर क्वालिटी कम हो रही है, आपका लिटरेसी रेट गिर रहा है, एजुकेशन कम हो रही है, वर्कर्स आर नाउ लेस प्रोडक्टिव, तो फिर आपकी पीपीसी नीचे को चले जाएगा, या आपकी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी वो नहीं रही, जैसे कि सैलाब है तो आपको पता है कि उसने कई जमीनों को भी खत्म कर दिया, पानी अभी तक सूख ही नहीं रहा वहां पर, क्योंकि उस लैंड की एबिलिटी खत्म हो गई है एब्जॉर्ब करने के पानी को। अगर कुछ ऐसा होता है कि अब लैंड इस्तेमाल ही नहीं हो सकता किसी किस्म की फार्मिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी क्वालिटी, या बहुत कम वो प्रोडक्शन कर सकता है, तो वो क्वालिटी फिर कम हो जाएगी, जिसको हम इनवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी से शो करते हैं। अच्छा, ये दोनों तो ठीक है,
और इसी तरह से एक और अगर मैं पॉइंट यहाँ लिख दूं जिसे हम बोलते हैं री एलोकेशन, यानी कि आप रिसोर्सेज को एक चीज की प्रोडक्शन से उठा लें जहां वो ज्यादा सूटेबल नहीं है और उस जगह लगा दें जहां वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, सूटेबल है, तब भी आप का जो पीपीसी है वो शिफ्ट हो सकता है। लेकिन इसमें हम अभी आगे भी चल के बात करते हैं, ठीक है, अगर ऐसा हो सकता हो तो। अच्छा, अब ये जो शिफ्ट हो रहे हैं ना हमारे पास, जो हमारे पास शिफ्ट आपको नजर आ रहे हैं, इनके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, और वो टर्म क्या है, वो है पैरेलल शिफ्ट। मतलब वो लेफ्ट पे जाए राइट पे जाए, वो आप अगर डिस्टेंस देखें तो उनके दरमियान सेम ही रहेगा, मैंने कोशिश भी यही की है, तो इसको पैरेलल शिफ्ट बोलते हैं। और ये होता है कि जब किसी रिसोर्स की क्वांटिटी में इजाफा हो और वो रिसोर्स जैसे यहाँ पर फ्लोर की प्रोडक्शन के लिए वो रिसोर्स इस्तेमाल होता है और वो एजुकेशन के पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर जारी बात है दोनों का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जैसे मैं अगर कहता हूं कि यहाँ पर 100 फ्लोर बन सकते हैं और आप 20 स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे सकते हैं, तो आपका रिसोर्स अगर क्वांटिटी बढ़ गई है और अब आप 200 क्लोज बना सकते हैं, बना रहे नहीं है मैक्सिमम, तो आपके जो एजुकेशन है वो भी लेट से 40 पे चला गया है, 40 स्टूडेंट्स को आप एजुकेट कर सकते हैं, तो ये पोटेंशियल बढ़ रहा है। लेकिन वो रिसोर्स जो कि दोनों चीजों की प्रोडक्शन में यूजफुल है और उनको इंक्रीज करने में यूज हो सकता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, वो क्या है जी, वो कुछ यूं है, ठीक है जी। अब ये क्या हुआ, ये भी जो पीपीसी है वो राइट पे ही जा रहा है, राइट पर शिफ्ट ही है, लेकिन आप बता सकती हो, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट भी ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये एक्स वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि ये कंज्यूमर गुड्स हैं, यहां मैं कैपिटल गुड्स ले लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कंज्यूमर गुड्स मैं यहाँ पर 100 लेता हूँ, और यहाँ मैं कैपिटल गुड्स ले लेता हूँ 400 और 800। अब मुझे बताओ कि क्या हो रहा है डायग्राम में। सर सिर्फ एक गुड जो है कैपिटल गुड, सिर्फ उसकी प्रोडक्शन का पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। हाँ, ये आपने अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया है, प्रोडक्शन का पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रही जब तक हम पॉइंट नहीं लेंगे। वेरी गुड, यानी कि ये ऐसा हुआ कि आपने नए रिसोर्सेस तो डिस्कवर किए, ठीक है, जैसे आपने कहा डिस्कवरी ऑफ ऑयल, लेकिन वो रिसोर्स कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में ही इस्तेमाल हो सकता है और कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में वो इस्तेमाल होता ही नहीं, तो ऑफ कोर्स कंज्यूमर गुड्स का पोटेंशियल 100 पे रहेगा, वो नजर भी आ रहा है हमें, और कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन पोटेंशियल जो है वो 400 से 800 पे चला जाएगा, ऐसा होता है। और इस तरह का जो शिफ्ट होता है इसको हम बोलते हैं पिवोटल शिफ्ट, पिवोटल शिफ्ट कि वो एक तरफ से पिवोट, एक तरफ से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से वो रोटेट कर रहा है। अच्छा, इसी तरह से ये नीचे भी जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि अब वो रिसोर्स जो कि कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है वो और कंज्यूमर गुड्स में नहीं होता, तो कंज्यूमर गुड्स की पोटेंशियल को तो उसने कुछ नहीं करना, लेकिन कैपिटल गुड्स की पोटेंशियल को वो कम कर देगा। अच्छा, ये ना सेशन एक्सपायर हो रहा है, तो दोबारा से ज्वाइन कर लो।